गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला बजट है। यह है बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। ये बजट इस देश के विकास में और गति से आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला बजट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। मैं यह विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस बजट में आने वाले वक्त में कृषि को अधिक लाभकारी बनाने, अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को नई गति देकर अधिकाधिक रोजगार सृजन करने का विजन दिखाई देता है। बजट में फसलों की जलवायु के अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इससे कृषि प्रधान हरियाणा को बड़ा लाभ होगा। प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद देने का प्रावधान स्वागत योग्य है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण के अनुकूल है, इससे बहुमूल्य जल की बचत होती है और आम जनता को शुद्ध भोजन मिलेगा। किसानों की रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। बजट में दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने व इनके भंडारण व विपणन को सुदृढ़ बनाने की घोषणा से हरियाणा में फसल विविधीकरण को अपना रहे किसानों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इस बजट में MSME और विनिर्माण, विशेषकर श्रम विनिर्माण की ओर विशेष ध्यान देना स्वागत योग्य कदम है। MSME के क्षेत्र में विकास के लिए विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएं और मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख करना छोटे उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बजट में रोजगार से संबंधित 3 नई योजनाओं को घोषणाओं से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पहली बार रोजगार पाने वाले नव नियुक्त युवाओं को EPFO के जरिए 1 महीने के वेतन अधिकतम 15,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में नव नियुक्त युवाओं और रोजगार देने वालों को EPFO में अंशदान के लिए प्रोत्साहित करना स्वागत योग्य है। सरकार बजट में नियोक्ताओं को EPFO को अंशदान के लिए 2 वर्ष तक 3,000 प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए शुरू की गई PM सूर्य घर योजना का इस बजट में विशेष बढ़ावा देने की बात कही गई है। यह हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। हमने इस योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार की 60,000 रुपये की सब्सिडी के अतिरिक्त 40,000 रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार को दिए जाने का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर यह बजट समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला और राष्ट्र को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने वाला साबित होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को यह बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि पूरे देश में गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बजट में 3 करोड़ नए स्वरूप में घर बनाने का निर्णय भी वो स्वागत योग्य है, जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हर सर के ऊपर छत देने का काम हमारी सरकार करेगी। उन गरीब लोगों को इस बजट के माध्यम से वो मकान बना करके देने का कार्य भी पूर्ण होगा। मैं इसके लिए आदरणीय निर्मला सीतारमण जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये बजट इस देश के विकास में और गति से आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। हर वर्ग की अपेक्षाओं के ऊपर, चाहे किसान है, गरीब है, युवा है, व्यापारी है,
हर वर्ग की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने वाला ये बजट है। मैं इसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ।